ओम शांति। आज का हम वरदान मंथन करेंगे। आज का विचार है 20वां, जो बाबा ने 29 दिसंबर 2019 को दिया। ईश्वरीय विधान को समझ। किसको समझने हमें? ईश्वरीय विधान। विधान मतलब संविधान, नियमावली। ईश्वरीय नियमों को समझ, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी। क्योंकि बाबा दुनिया वाले कहते हैं रिद्धि से सिद्धि, और बाबा क्या कहते हैं? विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत, तो बाबा के पदम कदमों की हिम्मत ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई। क्या आप हिम्मत का एक कदम बड़ा बढ़ाओ तो बाबा पदम कदम की मदद देंगे। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा, सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार सब आत्माओं को बराबर है। ये नहीं कि सरेंडर वालों को कुछ बाबा ज्यादा ही मदद देगा। बस जितनी हिम्मत रख के आप जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे उतनी मदद बाबा आपको दे। लेकिन विधि से सिद्धि है। आप विधि से चलोगे तब आपको सिद्धि मिलेगी। इस ईश्वरीय विधान को समझ, अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन का फर्स्ट नहीं का, हाँ, का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।